हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइज, हम लोग वेट कर रहे थे जिस अपडेट का, वो फाइनली आ चुका है, iOS 17 का स्टेबल अपडेट। और आज तारीख है गाइज 18 सितंबर, अभी बज रहे रात के 11:02, 10:30 बजे अपडेट जो है वो आ गया था। काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस अपडेट में क्या कुछ नए फीचर्स हैं और आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किन आईफोन्स में करना चाहिए। सो कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा, आपको सही सही जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बहुत ही जल्दी हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही कमाल कमाल की वीडियोस भी आपको मिलने वाली हैं। तो साथ ही बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। अभी बिग बिलियन डेज की सेल आ रही है तो आईफोन 13, 14 की क्या प्राइस होगी, सब कुछ जो है ड्रॉप होने वाला है, उन सब की वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर जो है गाइस बहुत ही जल्दी मिलने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पर मैं अपने आईफोन 13 में जो पहले अपडेट यूज़ कर रहा था, स्टेबल अपडेट iOS 16.6.1, यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल भी पूछा था कि आप लोगों में से सबसे ज़्यादा लोग जो है क्या यूज़ कर रहे हैं, iOS 15, 16 या फिर 17 का स्टेबल अपडेट या फिर पब्लिक बीटा अपडेट या फिर डेवलपर बीटा अपडेट। तो काफ़ी ज़्यादा 60% लोगों ने जो है वोट किया था कि वो लोग अभी तक जो है 16 के स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली iOS 17 का अपडेट आ चुका है। इसके लिए आपको जाना अपने सेटिंग में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, और यहाँ पर आप जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो अपडेट देखने को मिल जाएगा, अपग्रेड टू iOS 17। जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये अपडेट जो है वो आपको दिख जाएगा। अब शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपडेट जो है किन आईफोन्स को नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि आईफोन एक्स के बाद के जितने भी आईफोन्स हैं उन्हीं में आईफोन एक्स में भी अपडेट नहीं आया है। तो आईफोन कौन बचा? आईफोन एक्स एस सीरीज़ बची, उसके बाद 10R, 11 वगैरह सब कुछ बचे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, आईफोन मतलब iOS 17 जो अपडेट है वो काफ़ी स्टेबल अपडेट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इसको डेवलपर बीटा और पब्लिक बीटा दोनों ही यूज़ करे हैं तो काफ़ी ठीक अपडेट है। काफ़ी जो है बड़ा बेकार अपडेट नहीं है जैसे iOS 16 था, क्योंकि उसमें iOS 16 में काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स थे। बट iOS 17 में जो अपडेट मतलब जो नए फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ फीचर्स 5-7 हैं जो काम के हैं, मतलब जैसे कि अपना कॉन्टैक्ट वाला हो गया, मतलब कस्टम जो है कॉन्टैक्ट इमेज जो है वगैरह लगा सकते हो। बहुत ही बड़े बड़े अपडेट मतलब बहुत बड़े बड़े नए फीचर्स नहीं है, जो भी हैं बहुत ही काम के हैं, छोटे छोटे हैं। काफ़ी स्टेबल अपडेट है iOS 16 से जो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो मैं आपको बता दूं किसको ये अपडेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आईफोन एक्स एस सीरीज़ को, आईफोन एक्स आर, क्योंकि मैं अपने आईफोन एक्स आर में भी अपडेट जो है ये चला चुका हूँ तो मुझे भलीभांति पता है कि उसमें कैसा चल रहा है। तो आपको बैटरी से रिलेटेड हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। आईफोन एक्स एस, आईफोन एक्स आर और आईफोन 11 यूज़र्स को भी मैं कहूँगा कि इसको अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, अभी अपडेट मत करें, क्योंकि आईफोन 11 2019 में आया था, 20, 21, 22, 23 चार साल हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताऊँगा तब आपको ये अपडेट करना है। यहाँ पर आईफोन 12 सीरीज़ के ऊपर के जितने भी आईफोन, आईफोन 12, 13, 14 जितने भी हैं, सबको ये अपडेट जो है डेफिनेटली कर लेना चाहिए, ठीक है। इस अपडेट का जो साइज़ है मेरे आईफोन 13 में वो है गाइस जो है 3.5 GB का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नए नए क्या फीचर्स हैं उसके लिए आपको गाइस करना क्या है, मेरी इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी पड़ी है तो आप लोग जो है वो जाकर देख सकते हो, ताकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा लंबा ना खींचूं और आप लोगों को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो मैंने कम्युनिटी टैब पर शेयर कर दिया है उस वीडियो को, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो कि क्या क्या नए फीचर्स जो है वो आपको मिले हुए हैं। सो यहाँ पर गाइस जो है मैं अपना जाता हूँ सब्सक्रिप्शन में और यहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। काफ़ी नेट स्लो चल रहा है। और गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो है फ़ोन, आपके पास अगर जो है आईफोन एक्स है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आप लोगों तक अभी शेयर करने वाला हूँ गाइस। जो है iOS 16.6.1 का जो स्टेबल अपडेट था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है iOS 16.6.1 अपडेट मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आप लोग टेक बैक मेरे चैनल पर जाइए, कम्युनिटी टैब में मैंने यहाँ पर iOS 17 के टॉप न्यू फीचर्स जो है अपने आईफोन 12 प्रो में वो सब शेयर कर दिए। इसका जो बेस्ट फीचर लगा था मुझे गाइस वो ये लगा था, जब अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो और ये स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है तो सब कुछ दिखता है ना, वो कैलेंडर टाइप का, तो वो बेस्ट फीचर लगता है मुझे। बाकी इसमें जो कुछ खास फीचर जो है मुझे लगे नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हो क्या क्या नए फीचर्स हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि आईफोन एक्सएस, आईफोन 11 और आईफोन एक्स आर, ये जो तीन मॉडल मैंने बताए इनमें प्लीज़ iOS 17 का अपडेट अभी इंस्टॉल मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। अपडेट करने से पहले क्या कुछ करना है तो आपको जो है सारे ऐसे चीज़ मैं बता देता हूँ कि सब कुछ फ़ोन का बैकअप जरूर लीजिएगा, क्योंकि iOS 17 पर तो आप जाओगे 16 से तो एक मेजर अपडेट होता है, काफ़ी बड़ा अपडेट होता है, तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। और यहाँ पे स्टैंड बाय डिलीवर्स एज न्यू फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, ये जो टॉप की फीचर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये कुछ नए नए फीचर्स जो आपको जो है काफ़ी मज़ा देते हैं फ़ोन को। यहाँ पे देखो ना, सबसे ज़्यादा इसी को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, स्टैंड बाय डिलीवर्स एज
न्यू फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस विद अ ग्लैसेबल इन्फॉर्मेशन डिजाइन टू बी व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस विद ईयर, ये जो कुछ लिखा पढ़ लीजिए, काफ़ी सही वो फीचर जो है काम करता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा फीचर नहीं जो मैं आपको बताऊँ। सो गाइज, ये अपडेट आ चुका है, आपको डेफिनेटली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और आपको इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास आईफोन 12 है, 13 है, 14 है, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो आप इस अपडेट को कर लीजिए। फिलहाल मैं ये अपडेट अपने आईफोन 13 में अभी थोड़े दिन के लिए नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज अभी तो फिलहाल सही सलामत चल रहा है, जो अपडेट पिछला वाला आया था मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, उसके बाद करूंगा। बाकी गाइज आपकी मर्जी, आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। और गाइज अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज जो है आपको बहुत ही कमाल की वीडियोज बिग बिलियन डे सेल से रिलेटेड मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।